हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो की तरह से फिर आज एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम ग्रोसरी शॉप या भी इस तरह से फ्रूट शॉप अगर हम बनाएंगे तो एक बेहतरीन सा लुक एंड फील किस तरीके से हम दे सकते हैं। तो आज मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा जो आप अपने के वेबसाइट का जो बेहतरीन से बेहतरीन लुक आप किस तरीके से दे सकते हैं, उसका डिज़ाइन किस तरीके से आप बना सकते हैं, पूरा मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। इसमें से कुछ जो है प्रैक्टिकल हम लेने वाले हैं, डेमो लेंगे, और कुछ जो है इसमें हम कस्टमाइज़ करेंगे, लेकिन हम सारे सब चीज़ें कस्टमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हम जिस थीम की बात कर रहे हैं, जिस थीम में आज हम काम करने वाले हैं, उस थीम को हम देखते हैं, पहले उसका हम रिव्यू कर लेते हैं। वो ये थीम है फ्रूट फूड के नाम से, या ऑर्गेनिक फार्म वगैरह के लिए ही मोस्टली है। इसमें आप अरेबिक में भी ले लीजिए, उर्दू में ले लीजिए, या फिर किसी भी ज़बान में, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, जो लिखने वाली ज़बान हो, उस सारे ज़बानों के लिए ये सपोर्टेबल है। हाँ, इसकी कीमत जो है $99 है, ये बात सही है कि इससे थोड़ी सी कॉस्टली है, बट चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको जो सपोर्ट कीजिए, इसकी जो टीम है बड़ा ज़बरदस्त सपोर्टेबल टीम है। इसके फीचर्स की अगर बात कर लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स अराउंड जब 40-50 के आसपास अराउंड फीचर्स हैं, लेकिन सबसे खास बात इसकी जो फीचर्स में जो बात है हमें समझ में आ रही है, ये सबसे जो मेन चीज़ है इसमें है कि इसका जो लुक है, कलर है, वो बहुत ज़बरदस्त है, और साथ साथ इसका जो डायनेमिक सेशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इसमें अराउंड जो है लगभग इसमें एक 20-25 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें मिलने क्या क्या है, ये बिल्कुल प्रीमियम चीज़ है। आपको पहली बात ये है कि यहाँ पे प्रीमियम चीज़ मिलने वाला है, आपको जो बिल्डर मिलने वाला है यहाँ पूरा प्रीमियम है, जिसकी कीमत $64 है आज के डेट में। और आपको दूसरी चीज़ जो मिलने वाली है वो ई कॉमर्स एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शन जो मिलने वाले हैं $25 के हैं। इसके अलावा सलाद डेवोल्यूशन जो मिलने वाले हैं $26 की हैं। अराउंड इस तरह से ये टोटल जो हो जाते हैं 60, 70, 80, 90, 100, यानी इसमें लगभग जो $110 के आसपास, $110 से ऊपर का प्लस में है। ये इतने इतने चीज़ें हैं इसमें, ये चीज़ आपको फ्री में मिलने वाले हैं इसी थीम के अंदर। ठीक है, तो आप जब ये प्रीमियम चीज़ यूज़ करेंगे तो फिर उसके मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, तो खैर अब हम चलते हैं इस थीम के बारे में। इस थीम में हम देखते हैं जिसमें क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं और किस किस तरीके से हम इसमें चीज़ों को बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उन चीज़ों की तरफ देखते हैं। यहाँ पे मल्टी हेडर है, आप कोई सा भी हेडर किसी भी थीम में आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी जो आपको हेडर अच्छा लगता है आप उसको वो हेडर आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टी हेडर की वेबसाइट्स हैं, ये थीम्स हैं, और ये इस थीम में सबसे जो लुक एंड फील है वो भी चीज़ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अराउंड इसमें 13 से 14 का होम पेज हैं, तो सबसे ज्यादा जो मुझे होम पेज अच्छा लगा है वो ये वाला होम पेज है, ये 10वां नंबर का जो होम पेज है, ये मुझे होम पेज सबसे अच्छा लग रहा है। तो मैं इसी होम पेज में काम करने की कोशिश करूंगा और मैं ये जानूंगा और ये बताऊंगा जी, इस तरीके का होम पेज हमें बनाना हो तो हम किस तरीके से हम बना सकते हैं। राइट, तो हम चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होम पेजेस हैं, इनके तरह भी हम देख लेते हैं एक नज़र कि कितने होम पेजेस हैं। जैसे ये वाले होम पेजेस हैं, ये होम पेजेस भी बहुत अच्छे होम पेजेस हैं, ये वाले होम पेजेस हैं बहुत अच्छे होम पेज हैं। इस पर भी इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है और ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत अच्छा होम पेज है, इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ करेंगे। और यहाँ पे दूसरा होम पेज है इस तरह का है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि दो तीन चीज़ जो है आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर सब डायरेक्टरी है, सब कैटेगरी है, तो सब कैटेगरी भी आप इसे यहाँ पे इस तरह से डाल सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये देखें कितना अच्छा और खूबसूरत सा दिख रहा है, तो ये भी एक लेआउट बहुत अच्छा लेआउट है। ठीक है, यहाँ पे एक देखें कितने इसकी जो सर्विसेज हैं, किस तरह से इन्होंने दे रखा है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। आप जैसा चाहें, जिस तरह चाहें, आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे है, ये भी देख रहा हूँ लेआउट, तो ये भी लेआउट तकरीबन इसमें जितने भी लेआउट है वो बिल्कुल क्लियर कट है और बिल्कुल फ्रेश है। तो ये भी मैं लेआउट कट करता हूँ, ये भी एक लेआउट है, ये भी लेआउट बड़ा अच्छा लेआउट है। यहाँ पे देखिए किस तरह से इन्होंने लग रहा है डांस कर रहा है, ये मेगा मेनू किस तरह से बनाया है इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से मेगा मेनू आप बना सकते हैं इसमें। यहाँ पे प्रोडक्ट्स की चीज़ें हैं, आप देख रही हैं कितना खूबसूरत खूबसूरत सा है। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे ख़ास बात एक और चीज़ है, जैसे ये है कैटेगरी वाइज भी इन्होंने क्या रखा है, इमेजेस रखा है।
यहाँ पे एक खास बात एक चीज़ है ना कि देख रहे आप जैसे प्रोडक्ट जैसे कोई बाय कर रहा है या कोई प्रोडक्ट्स बाय हो रहा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे नीचे को दिखता है कि बार बार ये आता जाता है यहाँ पे। जैसे देखिए अभी ये प्रोडक्ट्स अभी किसी ने रिसेंटली किसी ने व्यू किया है तो वो चीज़ बता जा रहा है कि हाँ रिसेंटली किसी ने व्यू किया है, या किसी ने रिसेंटली अगर बाय किया होगा तो वो भी बताएगा। तो इस तरह की चीज़ें इसमें बहुत सारी होम पेजेस हैं, आप इसको एक एक करके देख सकते हैं अच्छे से, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ सबको आप इख्तियार कर देते हैं, मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें सारी चीज़ें जो है सब प्रीमियम हैं और सब के सब जो फ्रूट्स वगैरह के लिए, फ्रूट्स वेज वगैरह ही के लिए हैं। इसके अलावा भी कोई चाहे तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। और थीम की जो क्वालिटी है बिल्कुल लाइट है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, ना ही क्या नाम है गुंजलक है, ना ही कोई इस तरह से ओलझोल जैसी है, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन थीम है और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस तरह का ये जैसे ये देख कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत सा होम पेज उन्होंने बनाया है, और ये ब्लॉग के लिए स्पेशली इस तरह के होम पेजेस बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, तो कोई सा भी आप होम पेजेस यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसमें जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, एक होम पेज बनाएंगे और वो होम पेज इसमें हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर पा रहा करता है नहीं करता है। जैसे ये भी होम पेजेस बड़ा अच्छा होम पेजेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना खूबसूरत सा इन्होंने बना रखा है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये आपका लास्ट होम पेज है, ये आपका फ्रूट्स के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे टाइम डेट मैका रिजर्वेशन, अच्छा कोई बुकिंग वगैरह करने के लिए इस तरह का रिजर्वेशन करने का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो खैर यह तो हो गई बात हमें थीम की। अब हम चलते हैं वो वेबसाइट जिसको हमें डिज़ाइन करनी है, ये वेबसाइट है जिसका हमें डिज़ाइन करनी है, होम पेज जिसका हमें बनाना है, डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले क्या मैं क्या करता हूँ कि इसको लॉगिन कर लेता हूँ, इस वाली वेबसाइट को मैं लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद इस पे काम स्टार्ट करता हूँ। ये इसमें होम पेजेस ऑलरेडी बने हुए थे एक मरतबा, लेकिन ये होम पेज सही नहीं था, इस वजह से इसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो अब मैं इसको जो है दोबारा नए सिरे से इसको बनाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आप इसमें अच्छे से आप भी समझ जाएं और देख लें कि किस तरीके से होम पेजेस बनाया जाता है, और आप अपने भी थीम के लिए, आप अपने भी बिजनेस के लिए अगर आप चाहें तो प्रीमियम थीम यूज़ करके बिल्कुल इजी एंड लाइटली आप होम पेज बना सकते हैं और जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं दो चीज़ें पहले काम करूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थीम को मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे थीम पे जा रहा हूँ और उसके बाद मैं अपलोड करता हूँ थीम। यहाँ पे इस थीम पे मैंने कई मरतबा के इसमें वीडियो बनाया है, आपको दिखाया भी है, बहुत से मैंने 10-15 वेबसाइट मैंने इसी थीम पे बनाया था पेन न्यूज़ के नाम से उस थीम पे। बट आज जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये पूरा बिल्कुल नया है और ये मार्केट में बिल्कुल न्यू आया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से और देख सकते हैं किस तरीके से आप इस थीम को यूज़ करके अच्छा से अच्छा आप बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रीमियम थीम है, आपको बाय करना हो तो आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हमसे बाय करना हो या हमसे कस्टमाइज़ करवानी हो तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर हम बिल्कुल चीप एंड बेस्ट में हम इसको प्रोवाइड करेंगे आपको लिए। ठीक है, या फिर आप वेबसाइट बनवाना चाहें बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अगर आप चाहें तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप खुद से बाय करके अपना खुद से डिज़ाइन करें, अगर आप डेवलपर हैं या आप जानते हैं तो बेटर है कि खुद से आप बाय कर लें, यहाँ से बाय करके करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,